Dear students, I'm your English teacher. Today we are going to read 12th lesson of 4th class. The lesson name is verb. We call verbs doing words and action words. Verbs क्या होती हैं, जैसे आप जो हिंदी में जैसे आप क्रिया बोलते हो, जो आप काम करते हो, उसको हम इंग्लिश में verbs बोलते हैं. जैसे आप सो रहे हो, खा रहे हो, जा रहे हो, हंस रहे हो, रो रहे हो, जो कुछ भी है, ये सभी जो आप क्रिया करते हो सेंटेंस में, उन सभी को हम वर्ब्स बोल सकते हैं. जैसे स्लीपिंग, स्लीप, ईट, वॉक, सी, वॉच, लर्न, रिमेंबर, ये सभी आपके क्या हो जाएंगे, वर्ब्स हो जाएंगे. नाउ वी रीड सम सेंटेंसेस रिलेटेड वर्ब्स. फर्स्ट सेंटेंस है, व्हाट डज सुमित डू. जैसे हमने पूछा कि सुमित क्या करता है, इसमें क्रिया क्या है, करना. सुमित रन्स इन द गार्डन. सुमित रन्स कर रहा है तो रन इज अ वर्ब. सेकंड है, व्हाट डज रागिनी डू. रागिनी डांस इज वेरी वेल. डांसिस वर्ड इज अ वर्ब. व्हाट डज अ डॉग डू. अ डॉग बार्क्स. बार्क वर्ड इज अ वर्ब. इनको हम एक्शन वर्ड बोल सकते हैं. क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक्शन इस वर्ब के थ्रू हमें पता लगता है कि कोई एक्शन आपको दिखाया जाता है या फिर डूइंग या वो क्या कर रहा है, वो चीज़ें दिखाते हैं. द डेफिनेशन ऑफ वर्ब की डेफिनेशन क्या है कि डूइंग वर्ड्स आल्सो आर सकते हैं या फिर एक्शन वर्ड बोल सकते हैं. और इससे अलग जो हमारी हेल्पिंग वर्ड्स होती हैं, जैसे बच्चों इज, एम, आर, वॉज, वर, विल बी, शैल बी. कई बार क्या होता है कि हम वर्ब न लगा के इन्हीं हेल्पिंग वर्ब को एज ए वर्ब कॉम्प्लीमेंट यूज़ करते हैं, तो इनको भी हम वर्ब या फिर डिनोटिंग वर्ब बोल सकते हैं. जैसे आई एम अ बॉय, यहाँ पे जो एम है एज ए वर्ब, आप यहाँ पर इसने काम किया. जैसे यहाँ पे एक सेंटेंस दिया है, अनिल इज एन एक्टर. अनिल क्या एक एक्टर है. यू आर अ बॉय, यू आर अ गुड बॉय, ही इज अ बॉय. इसमें सभी ये क्या हो गए, वर्ब कॉम्प्लीमेंट. इनको वैसे तो ये हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन इन सेंटेंसों में ये एज ए वर्ब यूज होते हैं. ऐसे काफ़ी सारे सेंटेंस आपको मिल सकते हैं, इनको भी हम वर्ब ही बोलेंगे. कुछ जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो पोजेशन को दिखाती हैं, यानी कि जिस पे जिसका अधिकार होता है. जैसे प्रिया हैज़ अ टॉय. यहाँ पे जो हैज़ वर्ब वर्ड है, यहाँ पे क्या दिखाया कि टॉय हैं, जो किसके हैं, प्रिया के हैं. प्रिया हैज़ अ टॉय, प्रिया टॉय रखती है. ऐसे जिराफ हैज़ अ लॉन्ग नेक. जो हैज़ वर्ड आया इस सेंटेंस में, ये भी दिखाता है कि जिराफ के पास क्या है, एक लॉन्ग सी नेक है. जैसे यू कह सकते हो आई हैव टू आईज, आई हैव टू हैंड्स, आई हैव अ पेन, आई हैव बैग, या फिर किसी और से यू से स्टार्ट कर सकते हो कोई आप सेंटेंस. तो उससे क्या होता है कि उसकी उस चीज़ पे उस चीज़ उस पर्सन की बिलोंगिंगनेस आपको दिखाई जाती है. नेक्स्ट जो आपका दिया है, अ वर्ड यूज टू डिस्क्राइब एन एक्शन. या तो कोई वो जो वर्ड आया वो एक्शन को डिनोट करता है, डिस्क्राइब करता है, या किसी स्टेट को, ऑकरेंस को, और फॉर्मिंग पार्ट को जो प्रेडिकेट में आता है आपका. बच्चों आपको पता ही होगा कि जैसे हमारा सेंटेंस होता है तो उसके टू पार्ट्स होते हैं. फर्स्ट इज सब्जेक्ट, अनदर पार्ट इज प्रेडिकेट. जैसे सब्जेक्ट किसी का भी नेम हो सकता है, या फिर ही, शी, इट, दे, वी, यू, आई, इनको छोड़ के बाकी का जो आपका पार्ट बचेगा उसमें आपकी वर्ब भी इंक्लूड होती है, उसको हम प्रेडिकेट बोलते हैं. तो ये हमारा जो वर्ब होती है, एक्सप्रेशन या एक्शन या डूइंग, ये सारी चीज़ें को डिस्क्राइब करती है, पोजेशन को भी ये डिस्क्राइब करती हैं. तो वर्ब है जो मेन पार्ट होता है सेंटेंस का. विदाउट वर्ब अ सेंटेंस इज नॉट कम्प्लीट, यानी कि सेंटेंस कभी भी कम्प्लीट नहीं हो सकता वर्ब के विदाउट. जैसे यहाँ पर आप पढ़ो बर्ड्स इन द स्काई, यहाँ पे हमने वर्ब यूज़ नहीं की, तो क्या ये सेंटेंस कम्प्लीट सेंस दे रहा है, नहीं दे रहा. लेकिन अगर हम इसको करते हैं बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, तो यहाँ पे ये सेंटेंस है पूरी कम्प्लीटली सेंस हमें दे रहा, क्योंकि हेयर वी यूज फ्लाई वर्ब. अनदर सेंटेंस इज राजेश अ बॉय. राजेश अ बॉय इज नॉट अ कम्प्लीट सेंटेंस, बट राजेश इज अ बॉय इट इज अ कम्प्लीट सेंटेंस एंड गिव्स अ कम्प्लीट सेंस. ऐसे हमें पता चल गया कि वर्ब एक वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ सेंटेंस है. नेक्स्ट, अ वर्ब मे बी मेड अप ऑफ ओनली वन वर्ड, या इट मेड
अप ऑफ टू और मोर देन टू वर्ड्स, ये एक एक वर्ड का भी हो सकता है आपका वर्ब, साथ में हेल्पिंग लग के टू या थ्री वर्ड्स का भी हो सकता है। जैसे फर्स्ट जो सेंटेंस आपने यहाँ पर ईट एट यूज़ किया है, एट यूज़ किया है, तो यहाँ पे ओनली वन वर्ड से है, लेकिन अगर हम इज एम आर वॉज वर्ड लगा के साथ में फॉर्म यूज़ करते हैं तो वहाँ से हमारा टू का हो जाता है। लेकिन फ्यूचर में जाते ही जैसे सेल बी सेल हैव विल हैव ऐसे, और साथ में हम हेल्पिंग वर्ब सॉरी वर्ब यूज़ करते हैं, तो ये हमारा मोर देन टू वर्ड्स की वर्ब बन जाती है। आगे जो एक्सरसाइज दी गई हैं वो आपको कंप्लीट करनी है। करना क्या क्या, आइडेंटिफाई दिए गए उनको आपको सर्कल करना अच्छे से रीड करने के बाद। जैसे द चिल्ड्रन लाफ लाउडली, तो बच्चा क्या कर रहा है यहाँ पे, जो हम क्वेश्चन पुट करते हैं व्हाट, जो आंसर मिलेगा वही आपका हो जाएगा वर्ब, तो इसका आंसर हमें लाफ मिलेगा यानी कि हंस रहा बच्चा। माई अंकल इज अ टीचर, यहाँ पे हमें कोई वर्ब तो दिखाई नहीं दे रही, हेल्पिंग वर्ब जरूर हमें दिख रही है। यहाँ पे जो आपकी इज हेल्पिंग वर्ब है एज ए वर्ब कॉम्प्लीमेंट यूज हुआ, तो इसको हम यहाँ से वर्ब ही बोलेंगे। ऐसे ही आपको यहाँ से देख के उनको सर्कल करना है। सेकंड में क्या करना है, बी पार्ट में टिक द करेक्ट वर्ब फ्रॉम द ब्रैकेट्स एंड राइट देम इन द स्पेसेस प्रोवाइड। आपको देखना है यहाँ से जो हेल्पिंग वर्ब्स आपकी दी गई हैं या फिर एज ए वर्ब जो यूज़ होंगी, सिंगुलर के साथ जैसे इज लगेगा, आई के साथ एम लगाते हैं, वॉज वर्ब में ऐसे ही सिंगुलर के साथ हम वॉज और प्लूरल के साथ वर्ब का यूज़ करते हैं। ऐसे आपको यहाँ से जो अप्रोप्रिएट है इसको टिक करके और गिवन स्पेस में आपको राइट डाउन करना है। सो नाउ आवर लेसन इज़ कम्प्लीट। थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे।